सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद चन्ना ने कहा है कि चाइनीज कंपनी कमर्शियल एरियाज और रिहायशी इलाकों से कचरा उठाने के लिए अलग अलग हिकमत अमली मुरतब दे, घर घर से कचरा उठाने के लिए मशीनरी, गाड़ियां और सैनिटरी वर्कर्स की कमी 1 दिसंबर तक मुकम्मल करे। चाइनीज कंपनी के अहदेदारान के इजलास की सदारत करते हुए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD जुबैर अहमद चन्ना ने कहा कि चाइनीज कंपनी को मुआहदे के मुताबिक 100% कचरा घर घर जाकर उठाना है। जब तक कचरा जहां से पैदा हो रहा है वहां से नहीं उठाया जाएगा, ना शहर मुकम्मल साफ नजर आएगा और ना ही कचरा कुंडियां खत्म होंगी। शहरों की कचरे की शिकायत का जाला उस वक्त ही मुमकिन है जब चाइनीज कंपनी मुआहदे के मुताबिक हर घर से कचरा जमा करेगी। उनका कहना था कि मजबूत नतायज के लिए चाइनीज कंपनीज को इलाका वाइज लाअमल मुरतब देना होगा। कमर्शियल एरियाज और रिहायशी इलाकों से कचरा उठाने के लिए अलग अलग हिकमत अमली मुरतब दे। चाइनीज कंपनी मशीनरी, गाड़ियां और सैनिटरी वर्कर्स की कमी पूरी करने के लिए प्लान रिवाइज करें और 1 दिसंबर तक अमल दरामद यकीनी बनाए। इस सिलसिले में कोई लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तजुर्बेकार अमले की भर्ती के बाद इनकी ट्रेनिंग लाजमी जुज है। इजलास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक निजामानी, जिला शर्की, जिला जनूबी, जिला मलीर, जिला किमाड़ी और जिला गरबी के डायरेक्टर्स, डेप्टी डायरेक्टर्स और चाइनीज कंपनी के अहदेदारान मौजूद थे।